बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सचिन पायलट जी, डॉक्टर रघु शर्मा जी, दिव्य जैन जी, बीनाकार जी, महेंद्र सिंह अलावटा जी, हेमंत भाटी जी, प्रहेती जी, डॉक्टर जयपाल, कमल बकोलिया जी, सभा खान जी, नवीन कछावा जी, विश्वनाथ जी मेहरा, कुतुब चिश्ती, यासिर चिश्ती, नवीन सोनी, मंच पर विराजमान जितने और कांग्रेस के आज जो परिवार जैसे सारे एजल बैठे हमारे पदाधिकारी नेता, आप सब जो भारी संख्या में इधर आए हैं, माताएं और बहने, युवा बुजुर्ग, हमारे प्रेस के साथी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बीच में इधर बुलाकर मेरी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पूरे दिल से आदरणीय राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का और खास करके भाई सचिन पायलट जी का और रघु शर्मा जी का पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ से टिकट देकर आपके बीच में खड़ा रखा, अपनी बात रखने का मौका दिया। ये उम्मीद जो इन्होंने जो भरोसा दिखाया है, मैं आशा करता हूँ मैं भरोसे के खड़ा उतरूंगा। साथियों, हम पिछले 20 दिन से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, शहर में, गांव में, हर जगह, और यहाँ भी चाहे वो शहर हो, गांव हो, हर जगह जिस तरह की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, जिस जगह का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, एक बात तय है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर ये सीट अजमेर की कांग्रेस जीतने जा रही है। आप सब से अब यही देख रहे हैं, जितने बहुमत से आपने यहाँ पे रघु शर्मा जी को जितना प्यार देके यहाँ से जिताया था, उससे ज्यादा प्यार देके आप मुझे यहाँ से जिताइए, तो मैं पहले साहब के पास जाऊंगा सर ऊंचा करके कि सर आपने जो डिसीजन लिया था मेरे को यहाँ से टिकट देने का वो सही था। मैं ज्यादा बातें नहीं रखूंगा, मैं थोड़ी बातें आपके सामने रखूंगा जिन चीजों को मुद्दा दोहरा के मैं इस इलेक्शन में उतर रहा हूँ। दो तीन चीजें सिर्फ है, अजमेर का कैसे विकास हो, कैसे प्रगति हो अजमेर की, यही मेरी प्राथमिकता होगी। मैं कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स लेके नहीं जा रहा हूँ, कोई झूठे वायदे करके आपके सामने नहीं जा रहा हूँ। आप लोग को एक चीज देखनी है कि कौन अजमेर का विकास बेहतर कर सकता है, अजमेर की समस्याएं को ज्यादा समझ सकता है, आपके साथ बैठकर यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर अजमेर को 5 साल में बेहतर कर सकता है। साथियों, दो चीज को मैं यहाँ लेके बात करना चाहता हूँ। एक है जो पानी की बड़ी प्रॉब्लम है पूरे अजमेर के जिले में, चाहे वो गांव हो या शहर हो, ये हर जगह पानी की दिक्कत है। इसको मैंने एक साल कब बनाया और आपके सामने भी कहना चाहता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर अंदर चाहे कोई भी योजना हो, चाहे वो भीलवाड़ा से पानी इधर लाना हो पाइपलाइन के जरिए, या चंबल का पानी हो, या कहीं और से पानी लाना हो, 2 साल के अंदर अंदर पानी की दिक्कत हम यहाँ पे खत्म करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी चीज यहाँ पर इधर इंडस्ट्री कम है, यहाँ उद्योग कम है पूरे अजमेर में। सचिन पायलट जी ने 2009 से 2014 तक जितने काम यहाँ करे हैं वो कहने के लिए कम है, बहुत सारे काम हुए हैं। अब एक और काम आया बाकी है यहाँ पे, जिसके लिए शायद इन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो है कैसे ज्यादा से ज्यादा उद्योग इधर लाए जाए। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में चाहे जो उद्योगपति हो, एक एक के घर जाके, एक एक के दफ्तर जाके हाथ जोड़कर उनको अजमेर लाएंगे, यहाँ पे उद्योग लगवाएंगे उनसे, ताकि हमारे जितने युवा साथी हैं कोई युवा साथी बेरोजगार ना हो, किसी को अजमेर के बाहर ना जाना हो नौकरी ढूंढने, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, हर चीज की नौकरी अजमेर में मिले, अजमेर को हम सक्षम बनाए। यहाँ शहर में बहुत काम करने को है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो जो यहाँ से चालू किया गया, आज वो बीच में थम गया है, सही मायने में अजमेर को हम स्मार्ट सिटी बनाए, ना कि सिर्फ यहाँ 5 साल से जो साइन लगा दिए गए स्मार्ट सिटी उस हिसाब से स्मार्ट बनाए। ये सारे काम कर रहे हैं, आप सारे जो व्यापारी वर्ग यहाँ पे मौजूद है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा,
मैं खुद एक औद्योगिक घराने से आता हूं, पिछले 20 साल से मैंने अपने परिवार का उद्योग संभाला है। आपकी क्या दिक्कतें हैं, आपके ऊपर कैसे कैसी चीजें आती हैं, वो सबसे मैं वाकिफ हूं। आपको मैं वादा करना चाहता हूं, आपकी जितनी दिक्कतें होंगी वो मेरी दिक्कतें होंगी। जो आम व्यापारी जो आप त्रस्त है, चाहे वो जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर, जिस तरह से आपके ऊपर एक खौफ पैदा कराया हुआ है, इनकम टैक्स को लेकर, एक्साइज को लेकर, कोई भी डिपार्टमेंट को लेकर, उन सब चीज की लड़ाई में आपके साथ खड़े होकर लड़ूंगा। आम व्यापारी पर कोई आंच ना आ सके, आम जनता पे कोई आंच ना आ सके, ये सारी लड़ाई में आपके साथ मिलकर लड़ूंगा। एक बार फिर मैं आपको यही भरोसा दिलाने आज आया हूँ कि मुझे एक मौका दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं पांच साल आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। सिर्फ आज दो चीज मांग रहा हूँ आपसे, एक है आपका प्यार और आशीर्वाद, दूसरा है आपका वोट। आप 29 तारीख को आकर ये दो चीजें मुझे दीजिए। 6 दिन बचे हैं चुनाव को, 7 दिन बचे हैं। ये 7 दिन आप हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, आप पब्लिक, आप सब मिलकर मेहनत करिए। ये 7 दिन उसकी गारंटी आप लीजिए। अगले 5 साल आपसे कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करके अजमेर को एक नया भविष्य देने के लिए उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे बुलाया और मैं आशा करता हूँ 29 तारीख को भारी बहुमत में आके आप सही कदम उठाएंगे, आप सही कैंडिडेट को चुनेंगे, मुझे एक मौका देंगे। मैं अपना परिवार का कारोबार छोड़ के आपके बीच में आया हूँ, आपकी सेवा करने आया हूँ। मैं आशा करता हूँ आप मुझे वैसा ही एक मौका देंगे जैसे आपने पायलट साहब को दिया था, रघु जी को दिया था, और आप जो भी मुझे जब काम बोलेंगे आपके साथ खड़ा रहूंगा, कभी आपको शिकायत नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।